साल 2022 के हम अंतिम महीने में खड़े हैं और इस महीने में भी एक सप्ताह दो सप्ताह बाद चीज़ें बदल जाएंगी, यानी कि 2023 नए साल का आगाज हो जाएगा। नया साल उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। करीब हम 24 यानी दो दर्जन दिग्गज IAS अफसरों से इस साल विदाई हो जाएगी। वो चेहरे हमेशा के लिए यूपी की ब्यूरोक्रेसी से चले जाएंगे, जो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जिनके नाम पर सरकार चलती है, जिनके नाम पर सरकार की धुरी टिकी हुई है। वो जो जनवरी के 2023 की शुरुआत से लेके दिसंबर 23 तक कई सारे बड़े नाम आपके बीच से चले जाएंगे, उनकी सेवा पूरी हो जाएगी, वो रिटायर हो जाएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि जब साल की शुरुआत होगी यानी जनवरी महीने की, तब सबसे पहले 1989 बैच के IAS सुरेश चंद्रा का रिटायरमेंट होगा। उनके पास श्रम और सेवायोजन विभाग है, लेकिन महत्वपूर्ण परिवर्तन जनवरी के बाद फरवरी में आएगा, जब यूपी की ब्यूरोक्रेसी के एक साथ तीन बड़े दिग्गज नाम हमसे विदा हो जाएंगे। उसमें अभी इसी सरकार में चीफ सेक्रेटरी रहे RK तिवारी भी शामिल हैं, जो इसमें यूपी रोडवेज के चेयरमैन हैं। इसके अलावा यूपी के IIDC हैं 1988 बैच के अरविंद कुमार, जो अभी इन्वेस्टर समिट कराने में लगे हुए हैं। फरवरी में उनका रिटायरमेंट है। वो प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास भी हैं, ACS हैं और IIDC भी है उत्तर प्रदेश के। उनका पद बहुत बड़ा है, उस पर बहुत लोगों की निगाह होगी। तीसरा फरवरी महीने में ही आराधना शुक्ला, उनका भी रिटायरमेंट हो जाएगा। वो 1989 बैच की IAS अफसर हैं। मार्च में एक महत्वपूर्ण नाम है, 1994 बैच के IAS हैं, के राम मोहन राव, वो भी विदा हो जाएंगे हमसे आपसे और 31 मार्च को उनका रिटायरमेंट। समीक्षा की गई। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने माघ मेले से संबंधित तैयारियों और व्यवस्थाओं को लेकर वर्चुअल चेयरमैन। उसके बाद फिर आते हैं लखनऊ में मनाया जा बड़े चौंकाने वाले नाम हम आपको। लखनऊ में मनाया जा रहा है PSC का स्थापना। लखनऊ में मनाया महत्वपूर्ण पदों पर है। लखनऊ में मनाया जा रहा है PSC का नाम आता है 1988 बैच के आलोक कुमार का, जो उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के चेयरमैन रहे, अभी भी केंद्र में भी वो सचिव है ऊर्जा विभाग के। उनका रिटायरमेंट हो जाएगा, यानी कि अब से 6 महीना बाद। और उसी जून के महीने में यूपी के दो बड़े नाम, यानी कि वित्त विभाग में ACS हैं प्रशांत त्रिवेदी और दूसरा संजय भूस रेड्डी, जिनके पास गन्ना चीनी आबकारी और सुपर पावर क्या क्या है, वो ये दोनों नाम आपसे हमसे विदा हो जाएंगे। फिर उसके बाद जुलाई में एक सदाबहार नाम, जो हर सरकार में महत्वपूर्ण पद पर रहे, जिनको लोग मानते हैं कि उनको हर हमेशा सही जगह होना चाहिए, नवनीत सहगल, जुलाई में 1988 बैच के IAS अफसर। अब वो फाइनली उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी से विदाई लेंगे जुलाई 2023 में। सहगल के बाद अगस्त में बात आती है संजीव मित्तल की। संजीव मित्तल 1987 बैच के हैं, बड़े सीनियर मोस्ट अफसर हैं और वो इस समय रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन हैं। 87 बैच और उनका अगस्त में रिटायरमेंट। तो कई सारे पद आप देखिए खाली होते जा रहे हैं। फिर उसके बाद सितंबर आता है। सितंबर के महीने में सुनील कुमार, जो रेणुका कुमार के हस्बैंड हैं, वो दिल्ली में बहुत समय से तैनात हैं भारत सरकार में, उनका रिटायरमेंट है। इसके अलावा सितंबर में ही बरेली के इस समय मौजूदा DM हैं शिवाकांत द्विवेदी, वो भी रिटायर हो जाएंगे। साल का जो आखिरी महीना है दिसंबर, उसमें एक बड़ा नाम रिटायर होगा, 1990 बैच के रजनीश गुप्ता। रजनीश गुप्ता पिछले काफ़ी सालों से राजस्व परिषद में पड़े हैं, सरकार ने एक तरह से उनको वहाँ तैनात करके छोड़ दिया है, भूल गई है। नौकरी का आखिरी दौर बड़ा कठिनाई से कट रहा है, करीब 3 साल होने जा रहे हैं उनको, कोई सुधी नहीं ली गई। तो जो ये साल 2023 आ रहा है, ये दो दर्जन से ज़्यादा IAS अफसरों की विदाई वाला साल होगा। स्टेट कैडर के इसमें बहुत सारे अफसर हैं, लेकिन जो बड़े बड़े नाम हैं वो आपको निश्चित ही सोचने पर मजबूर करेंगे कि अच्छा, अब ये अधिकारी तो बड़े महत्वपूर्ण थे, ये रिटायर हो रहे हैं। अब आप सोचिए कि राजेंद्र कुमार तिवारी चीफ सेक्रेटरी रहे, अरविंद कुमार चले जाएंगे, फिर
संजय भूस रेड्डी चले जाएंगे, प्रशांत त्रिवेदी चले जाएंगे, नवनीत सहगल चले जाएंगे, संजीव मित्तल चले जाएंगे, रजनीश गुप्ता चले जाएंगे, बहुत बड़ा खालीपन आएगा। इसमें बहुत सारे ऐसे अफसर हैं जिनकी जगह लेने में लोगों को सालों लगेंगे। बहरहाल तैयार रहिए कि इन सब पदों पर कुछ नए चेहरों को देखने के लिए।